तो आज ये है मुंबई की पहली बारिश और हम काफी एंजॉय कर रहे हैं इस टाइम पर। आप देखो इस तरीके इधर से इधर जा रही है ये बारिश। ये ओए होए होए देखो यार, आज संडे और आज हम जा रहे हैं वीटी की तरफ, थोड़ा मरीन ड्राइव घूमेंगे। सो अभी आ चुके हैं वीटी स्टेशन और अब यहाँ से निकलेंगे। थोड़ा सा आपको वीटी स्टेशन भी घुमाते हुए चले। इस टाइम पर काफ़ी वक्त हो चुका है रात के और काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं भी आज चल रही, लग रहा है आज बारिश होगी। सो चलते हैं ऐसी ठंडी हवाओं का मज़ा लेते हुए मरीन ड्राइव। और मरीन ड्राइव में सीधे आज मैं नरीमन पॉइंट से फिर से शुरू करता हूँ ताकि नरीमन पॉइंट आप देखो, यहाँ से इन्जॉय करो, बिकॉज फिर वापस जाना रिटर्न, तो रिटर्न जाते जाते सब कुछ दिखाते हुए चलूंगा ही चलूंगा मैं। तो सबसे पहले पड़ता है यहाँ पर, ये देखिए नरीमन पॉइंट आप देखते हुए चलो। ये एरिया जो है काफ़ी अंधेरा, इस जगह पर लाइटिंग थोड़ा कम रहती थी, एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। जितना आगे बढ़ूंगा उतनी ज़्यादा लाइटिंग दिखाई देगी, उतना ही इन्जॉय करोगे आप लोग। सो चलते हैं आगे और आगे का दिखाते हुए चलूंगा। इसी साइड पर मैं थोड़ा सा आगे चलूँ और राइट हैंड साइड पर ये आपको ओबराय और ट्रीडेंट, ये तमाम होटल्स भी आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल सामने ओबराय होटल है और उसके जस्ट थोड़ा सा आगे ट्रीडेंट है। सो चलिए चलें और आगे का भी दिखाते चलते। सिर्फ पार्किंग देखो आप कितनी ज़्यादा इस जगह पर, हद से ज़्यादा गाड़ियाँ और बहुत एक्सपेंसिव गाड़ियाँ लाइन से खड़ी हैं आप देखो, और कुछ नहीं। अभी तो वैसे मैं होटल के आसपास में, यही एरिया काफ़ी बड़ा है, तो बिल्कुल जो सामने देख रहे हो ये ट्रीडेंट होटल है। तो ये काफ़ी बड़ा होटल है, मतलब ओबराय से भी काफ़ी बड़ा होटल है ये। और अब आगे और चलते हैं, मैं इधर से जा रहा हूँ, सीधे पहुँचूंगा मरीन की तरफ और फिर वहाँ से टर्न होकर के निकल जाऊँगा अपने रूम की तरफ। लेकिन उससे पहले आप देखो संडे का रश देखो, पब्लिक संडे को बहुत रहती है और रात के 10:30-11 अराउंड बज रहा होगा इस टाइम पर। तो इस टाइम पर इतनी हद से ज्यादा भीड़ है आप समझ सकते। अभी मैं आ चुका हूँ आज़ाद मैदान और बिल्कुल ही खामोश दिखाई दे रहा, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा इस मैदान में। सो अब मैदान को देखो कि पूरा मार्केट भी उठ चुका है, इतना लेट हो चुका हूँ मैं। अब यहाँ से सीधे पहुँचू स्टेशन। सो वैसे इस टाइम पर इस मैदान में भी बिल्कुल खामोशी दिखाई दे रही है और इस साइड पर इस्लाम जिम खाना, ये यहाँ पर चंद लोग कुछ बैठे होंगे ज़रूर अकेले, मुझे स्मैक लेते रहते हैं ड्रग। सो वो दो चार लोग पड़े होंगे बट अदरवाइज और कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। और बिल्कुल सामने मुझे जाना है वो वीटी स्टेशन दिखाई दे रहा आपको ऊपर से। सो अब बिल्कुल पास में ही और जल्दी से स्टेशन पहुंचूं, बस अब मैं यही सोच रहा हूँ। आज ये है मुंबई की पहली बारिश और हम काफी एंजॉय कर रहे हैं इस टाइम पर। आप देखो इस तरीके इधर से इधर जा रही है ये बारिश। ये ओए होए होए कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा भाई आगे का। इनके YouTube चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, आप जैसे लोगों की दुआएं रहेंगी। सो आप देख सकते हो कि इतनी तेज बारिश है कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा सामने। नहीं है बस, अरे खूब तेज है, देखो ना आगे कुछ दिख रहा है क्या? ये तो कैमरे में दिखाई दे रहा है, वाली बात है, बस इनको वीडियो में डालना है तो ये कुछ भी बोलेंगे। उसामा, ए उसामा, कुछ कहेंगे आज की बारिश के बारे में आप?
के बारे में? बारिश के बारे में आज कुछ कहना चाहेंगे? बारिश हो रही है और आगे और आगे कुछ बोलना चाहेंगे कि नहीं बोलना चाहेंगे? ब्लॉग में डाल रहा हूँ मैं। बारिश हो रही है मगर यहाँ पे मजा नहीं आएगी। मजा आएगी, मजा लेना है बारिश का। अच्छा, फ्रेम में आई, पीछे बैठी है, पीछे होकर के बैठी। हाँ, आप बोलिए। मेरी आवाज वहाँ तक पहुँच रही? खूब पहुँच रही है। अगर बारिश के मजा लेना है तो चल के मरीन ड्राइव पे लिया जाए। यहाँ से सिर्फ नजारा थोड़ा मोड़ा ही मिलेगा, मजा इतना नहीं आएगा। तो चले क्या नहाने? चलो। सुनाओ यार, रेडी? चलते हैं मरीन लाइन। चलिए, हो गया। चलिए, ये ब्लॉग के लिए उन्होंने फेंक लिया जितना फेंकना था। अब अवकाश से ये सोएंगे और कुछ नहीं। ये इन्होंने ही कहा था बोलने के लिए। करा दो बेइज्जती जितनी करानी है। शख्स लेटे हुए हैं, ऐसे मुस्कुराते, बस ऐसे ही मुस्कुराते मुस्कुराते बेचारा ऐसे ही चला जाएगा। ये परो क्या है? ये आदिल भाई। अरे, इनके बारे में कुछ कहेंगे आप? कहेंगे ना, क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे? इन्होंने अभी आदिल भाई को एक जबान में बोला था, पनौती है ये। ना, कुछ नहीं बोला। अरे, आपने बोला था, आप चुप हो गए। बात है।